फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्टी हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ कुछ परमानेंट प्लांट पे। तो अभी जो देख रहे हैं विंटर की जो बारिश है लगभग सभी जगह हो रही है। कल मेरे यहाँ सुबह से नहीं हुई थी, कई लोगों ने पूछा भी आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो सुबह से तो नहीं हुई लेकिन रात में जम के बारिश हुई मेरे यहाँ और बहुत ही ज़्यादा की बारिश हुई। फिर तो अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं कि बारिश से नुकसान तो बहुत ज़्यादा, हमारे विंटर प्लांट्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा भी क्या ले सकते हैं अपने गार्डन में। वैसे तो परमानेंट प्लांट के लिए बारिश बहुत ही अच्छा है, मतलब फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं प्लांट। आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में हिबिस्कस कितने प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छे से मतलब खिल रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी फ्लावरिंग हो रही है, मैंने इनकी कुछ कटिंग भी लगा दी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बारिश है, हम रेनी सीजन का वेट करते हैं कटिंग लगाने के लिए, तो अभी की जो बारिश है और वैसे भी जो मौसम है मतलब कि कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने जो प्लांट को मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आप प्लांट की कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। तो किस किस प्लांट की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं उसी पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है वो हिबिस्कस का प्लांट है। आप इसके देसी की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, हाइब्रिड की भी लगा सकते हैं और जो मिनेचर वेराइटी के होते हैं मतलब जितने भी हिबिस्कस की सारी वेराइटी की आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। आपको कटिंग किस तरह से लेनी मैं वो भी बता देती हूँ। वैसे मैंने अपने चैनल पे कई बार वीडियो बनाया है इस पर। जो ऊपर की टिप होती है इस तरह से, यहाँ से इतनी लगभग 2.5 इंच 3 इंच की कटिंग आपको लेनी है, 2.5 इंच की कटिंग, उससे बड़ी कटिंग आपको नहीं लेनी है। आप उसको सैंड या कोकोपीट में लगाइए या फिर सिर्फ सैंड में लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो और जब भी बारिश हो तो बारिश में ज़रूर रखिए उस कटिंग को, तो बहुत ही जल्दी सक्सेस होगी। तो आप इस टाइम पे हिबिस्कस की कटिंग लगा सकते हैं। दूसरी आप लगा सकते हैं ये चांदनी की कटिंग। तो चांदनी की कटिंग भी ऊपर की जो सॉफ्ट कटिंग होती है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने रेनी सीजन में ग्रो की थी, बहुत हेल्दी से मेरा प्लांट तैयार हो गया है। तो अभी का जो मौसम है बिल्कुल रेनी सीजन ही बना हुआ है, तो आप बहुत आसानी से इस समय कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो ऊपर की कटिंग लीजिए या फिर थोड़ी हार्ड भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन सैंड में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो आप इस समय चांदनी की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसको मैंने देखिए प्रून कर दिया और कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है। उसके बाद देखिए ये है गार्डेनिया का प्लांट, गंधराज का। आप इसकी भी कटिंग इस टाइम पे लगा सकते हैं, अभी से लेकर के आप फरवरी तक इनकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से अभी कटिंग लगाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप अभी ज़रूर अपनी कटिंग्स लगाइए जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उनकी। उसके बाद देखिए ये भी सारे हिबिस्कस हैं और आप इस समय ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग भी लगा सकते हैं, ये देखिए। और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है, कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, तो आप इसकी भी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्रोटन की कटिंग भी लगा सकते हैं, क्रोटन भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ऊपर की टिप लीजिए और इसको सैंड में लगा दीजिए, सैंड में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप एरेलिया की कटिंग भी लगा सकते हैं, ये देखिए एरेलिया के प्लांट है मेरे पास, बहुत सारे इसके कटिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो आप एरेलिया को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभी आप कोलियस को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। ये तो वैसे पूरे सीजन, पूरे हर सीजन में, हर मौसम में, मतलब कि मई जून की गर्मी में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन अभी का जो टाइम है बहुत ही बेस्ट है और समर में एक नया मतलब बिल्कुल कलरफुल पत्तियां प्लांट ग्रो करने का, आपके अपने गार्डन में ऐड करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इस टाइम पे आप कोलियस को अपने गार्डन में ज़रूर इनकी कटिंग लगा करके ढेर सारे प्लांट बनाइए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये यहाँ पर देखिए मैंने हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाई हुई है और कल बारिश हो रही थी रात में, तो मैंने इसको बारिश में रख दिया था। आपको थोड़ा सा बारिश के बाद का गार्डन भी दिखा देती हूँ। देखिए इतना पानी भरा हुआ है प्लांट में, पूरे विंटर के प्लांट तो इस बार पता नहीं, इतनी मेहनत से हमने अपने गार्डन तैयार किया और देखिए क्रिसेंथियम पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ख़राब से हो गए पूरे। मैरीगोल्ड भी देखिए फिर से अच्छा ब्लूम्स करना शुरू हुए थे और फिर से बारिश हो गई। इधर मैं आपको क्रिसेंथियम दिखा देती हूँ, ये देखिए क्या हालत हुई है क्रिसेंथियम की, पूरे प्लांट ही लगभग टूट गए या फिर डैमेज हो गए, क्या कहें इनको, क्या हो गया इनमें। तो ये देखिए, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं कटिंग पे फ़िलहाल बात करने वाली हूँ। अभी आप देसी रोज़ की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसी स्टीम लेनी है और आपको सैंड और मिट्टी में लगा देनी है, या इसकी हार्ड भी ले सकते हैं, पेंसिल के बराबर इसकी कटिंग आप ले सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। मैंने तो कई कटिंग इसकी लगाई थी, वहाँ पर भी मेरे करी पत्ते में भी एक कटिंग मैंने ऐसी लगा दी थी, ये देखिए यहाँ पर भी लग गई।
अभी आप मोगरा की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए मोगरा को जैसे आप प्रून करते हैं और उसकी कटिंग लगा देते हैं, उसको भी आपको सैंड में लगाना है। सैंड या मिट्टी दोनों को मिक्स करके लगा दीजिए या तो प्योर सैंड में लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप मोगरा को कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। आप कनेर की भी कटिंग लगा सकते हैं, ऊपर की टिप आपको लेनी है और सैंड में लगा देनी है। सैंड या मतलब कि एक भाग मिट्टी बिल्कुल सैंडी सॉइल में लगानी है। और अभी आप एक जोरा की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी येलो हो गई, काफ़ी टाइम से इसको मैंने कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दिया है। अब प्रून करूँगी और उसके बाद इसको फर्टिलाइजर दूँगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसकी कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट, मैंने इनको रेनी सीजन में लगाया था, मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। और कलर देखिए इतना प्यारा सा कलर है, अभी ऑरेंज खिलने लगा है इनमें, नहीं तो ये येलो कलर खिलते हैं इस पर फ्लावर। और ये देखिए इसमें भी खिला है, इसमें भी खिलने वाला है। जैसे जैसे धूप तेज़ होगी तो फ्लावर खिलते जाएंगे। तो कटिंग से ग्रो करने के बाद आप इस तरह से प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी आप एक जोरा ड्वार्फ वाला एक जोरा भी लगा सकते हैं, इसकी इतनी कटिंग आपको ले करके और लगा देना है। ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है, मैंने भी एक प्लांट तैयार किया था इसका और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके बाद अभी आप ये नाग चंपा की कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी से लेकर के फरवरी तक में आप इनकी कटिंग लगा दीजिए। मैंने लास्ट ईयर फरवरी में ग्रो किए थे कटिंग, और देखिए एक प्लांट से कितने सारे, यहाँ पे चार प्लांट यहाँ पे रखे हैं, एक ये छोटे से रखा हुआ है, छोटे से पॉलीबैग में लगाया था और आज तक उसी में लगा हुआ है। तो और लगातार तब से फ्लावरिंग भी हो रही है, उसके बाद से मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग शुरू हुई थी और लगातार पूरे साल इसने फ्लावरिंग करी है। तो अभी आप नाग चंपा की कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी आप चंपा की कटिंग भी लगा सकते हैं, जो मतलब चंपा गोल पत्तियों वाला चंपा होता है। मेरा प्लांट, दो प्लांट तो मैंने अपने गार्डन से हटा दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ के हो गए। ये देखिए ये वाइट कलर का चंपा है, आप इसकी कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाने के लिए आपको पहले कटिंग को कट करके 3-4 दिन छाया में सुखाना है, उसके बाद इसकी कटिंग को आप सैंड में लगा दीजिए। प्योर सैंड में रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप सैंड में लगा करके इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस समय कटिंग कर लीजिए, मतलब लगा दीजिए। आप अभी जो बेल वाला अलमंडा है उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। उसकी कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ ऊपर की टिप लेनी है, इतनी छोटी छोटी सी टिप कि जिसमें कि दो नोड हो, एक या दो नोड हो इतना। इससे ज़्यादा इधर की अगर आप कटिंग लेते हैं तो ये कटिंग थोड़ी सी इसकी अंदर से खोखली सी होती है, मतलब पोल होता है उसके अंदर, तो वो कटिंग ग्रो नहीं होती है। और अगर आप इस तरह की कटिंग को ग्रो करते हैं ऊपर की टिप को लेकर के, तो ये कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसको भी सैंड में लगा दीजिए। ये प्लांट मैंने खुद से कटिंग से ही तैयार किया हुआ था, अभी ये डोरमेंसी में था इस वजह से ये पूरे इसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं, और नहीं तो ये बहुत सुंदर इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, पिंक कलर के। अभी आप डबल चांदनी की कटिंग भी लगा सकते हैं, इतनी छोटी छोटी ऊपर की टिप लगानी है। मैंने भी रेनी सीजन में लगाई थी और मेरा एक प्लांट और इसका तैयार हो गया है। अब इसके प्लांट देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, कई साल पुराना हो चुका है और गमले में ही लगा हुआ है ये। तो अभी सारे प्लांट डोरमेंसी में है इसलिए इनकी पत्तियाँ आपको इस तरह से दिख रही हैं। इनकी आप छोटी छोटी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। अभी आप मैरीगोल्ड की कटिंग भी लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड की कटिंग देखिए मैंने भी लगाई हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये कटिंग मैंने दो लगाई थी, और जो पिछले वीक बारिश हुई थी उसमें भी मैंने दो कटिंग लगाई थी, तो एक तो मेरी ख़राब हो गई, दूसरी मेरी चल गई है, तो वो कटिंग भी मेरी ग्रो हो गई, बिल्कुल सक्सेस हो गई। देखिए कटिंग से लगा हुआ प्लांट कितना ज़्यादा घना और कितना सुंदर सा हो गया है, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी जल्दी ये कटिंग तैयार हो गई हमारी। ये लगभग 25 दिन में कटिंग इस कंडीशन में आ गई, छोटी सी कटिंग लगाई थी, छोटी छोटी सी। ये देखिए चांदनी का प्लांट मेरा, जो मैंने रेनी सीजन में कटिंग से लगाया था, उसी प्लांट को जो मैंने दिखाया था शुरू में, उसी की कटिंग लगाई थी। ये देखिए और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इस समय यूफोर्बिया मिली की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को भी अगर आप लगाते हैं तो 2-3 दिन छाया में सुखाने के बाद ही लगाइए, क्योंकि जो इसमें थोड़ा सैप निकलता है अगर उसको आप गीला गीला लगा देंगे तो उसकी वजह से फंगस लग जाता है और फिर प्लांट आपका सक्सेस नहीं होता। तो इसकी कटिंग को 3-4 दिन छाया में सुखा करके ही लगाइए, क्योंकि सकुलेंट फैमिली का प्लांट है तो इसमें मतलब जितने भी सकुलेंट होते हैं उनको थोड़ा सा सुखा करके ही लगाया जाता है। अभी आप ये देखिए पारिजात का प्लांट है, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए मेरे पारिजात में अभी कलियाँ आनी स्टार्ट हुई हैं, देखिए कितनी सारी मैंने लगाया था, मतलब नर्सरी से लाकर इस प्लांट को लगाया था। तो इसकी भी छोटी छोटी ऊपर की टिप की कटिंग को आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। आप इस समय टिकोमा की कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। बिल्कुल आप तो देख ही रहे हैं किस कदर बारिश हो रही है इस समय, क्योंकि वैसे तो रेनी सीजन में ग्रो होता है अच्छे से, लेकिन इस समय का मौसम भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए लेंटाना का प्लांट है, आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग, इसकी कटिंग भी हर सीजन में ग्रो हो जाती है और अभी भी इसकी कटिंग को आप लगा देंगे तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा समर में इतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। मेरे यहाँ तो विंटर में भी होती रहती है, इस बार मैंने इनको कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दिया इसलिए ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि विंटर के ही प्लांट इतने सारे हो जाते हैं और उतना खास केयर नहीं करी, नहीं तो विंटर में भी बहुत अच्छा खिलता है। देखिए कलियाँ अभी भी आ रही हैं, थोड़े थोड़े फ्लावर भी आ रहे हैं, मैंने प्रूनिंग भी कर दी थी बीच में अभी, तो इसकी भी छोटी छोटी कटिंग आप इस तरह से टिप ले करके और लगा दीजिए तो ये बहुत आसानी से। एक प्लांट से मैंने इतने सारे इसके प्लांट तैयार किए, देखिए एक ये है, एक ये है और भी कई सारे लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए एक प्लांट है और देखिए क्रिसेंथियम गिर करके पेंटास का प्लांट भी लगभग टूट सा गया पूरा। आप इस समय पेंटास की कटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पिटूनिया की दो कटिंग लगाई थी, इनमें देखिए फ्लावरिंग भी हुई है, पता नहीं अभी रोट शायद ना आई हो लेकिन प्लांट अच्छा चल रहा है। और सारे क्रिसेंथियम आज मेरे टूट गए इस बार की बारिश में पूरा ही, देखिए पूरी ब्रांच डैमेज हो गई है, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से पूरा पूरा ही डैमेज हो गया। और मैंने गलती क्या करी, मैंने इनको अलग से इधर उठा के रख दिया, वहाँ पर रखे हुए थे तो सब एक दूसरे का सपोर्ट था तो थोड़ा सा प्लांट मतलब एडजस्ट हो जा रहा था। यहाँ देखिए सारे इसी तरह से हो गए हैं, तो बस ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनको इस बार लगाने का, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस इनके प्लांट को हम सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए बचा लें वही बहुत बड़ी बात है। अब इनके फ्लावर मैं कट कर दूंगी सारे ही, ताकि कम से कम प्लांट हमारा सही सलामत बचा रहे। और इसको देखती हूँ कटिंग अब इसकी क्या ही लगेगी, फिर भी मैं कुछ कटिंग इसकी और लगा दूंगी अभी, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए सेव रहे हमारा प्लांट, पूरा ही प्लांट ख़राब हो गया। और रोज़ के लिए तो बारिश का पानी बहुत ही अच्छा रहता है, रोज़ प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाते हैं प्लांट, देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल आए हुए हैं। तो आप हाइब्रिड रोज़ को भी कटिंग से लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं तो, मिट्टी और सैंड का मिक्सचर बना करके आप इसकी कटिंग को लगा दीजिए। कटिंग आपको तब तक नहीं निकालनी है, तब तक उसको बार बार हिला के नहीं देखना है जब तक आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो जाती। अगर एक बार कटिंग हिल जाती है तो दोबारा वो सक्सेस नहीं होती है, फिर जो भी कटिंग आप लगाते हैं तो उसको उठा करके हिला करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। कटिंग को अच्छे से 2 महीना 2.5 महीना अच्छे से मतलब बढ़ने दीजिए, उसको उसकी ग्रोथ को होने दीजिए, उसके बाद ही आप कटिंग को रिपोर्ट करिए, चाहे जिस प्लांट की भी आप कटिंग लगाते हैं। विंटर के प्लांट से उनकी कटिंग जल्दी लग जाती है, 1 महीने में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है तो उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं वो लगभग 2-2.5 महीना में ही अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाती है, उनमें रूटिंग अच्छे से हो पाती है और अच्छे से उनकी जो मतलब कि ग्रोथ है वो हो पाती है। तो आप उसको बिल्कुल बहुत जल्दबाजी ना करें उसको रिपोर्ट करने के लिए कि हमारी कटिंग 1 महीने में ग्रो हो गई, हम उसको रिपोर्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर थोड़ी बहुत रूट उसमें आई रहती है और जैसे ही आप रिपोर्टिंग के लिए उसको खोलते हैं तो वो फिर ख़राब हो जाती है वहीं से कटिंग। तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल 100% सारी ही कटिंग ग्रो हो जाएंगी जो भी आप लगाएंगे। तो बस यही गलती जो नए लोग होते हैं वो लोग करते हैं, कटिंग लगाई और 1 महीने में निकाल कर देख लिया कि कटिंग में क्या ग्रोथ हुई है, बस वहीं पे कटिंग आपकी ख़राब हो जाती है। तो बस थोड़ी सी चीज़ों का बातों का ध्यान रखते हैं। अगर आप अभी कनेर की भी कटिंग लगा सकते हैं जो हाइब्रिड कनेर होता है, ये देखिए इसकी मैं मैंने एक कटिंग लगाई है, मैं आपको उसकी भी अपडेट दिखा दूँगी अभी, ये देखिए। और बस उसको रिपोर्ट भी करने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। ये वाइट कलर का मेरा कनेर है, इसकी भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। ऊपर की टिप इसकी बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाती है, तो जब भी आप लगाएं ऊपर की कटिंग लगाएं। आप अलमंडा को भी अभी लगा सकते हैं, ये देखिए बुस वाला अलमंडा, आप इसकी पेंसिल के बराबर कटिंग लीजिए या फिर आप कोई सी भी कटिंग इसकी लगा देंगे तो ये लग जाती है। ऊपर की टिप भी बहुत आसानी से लग जाती है, तो मैं तो ज़्यादातर सभी प्लांट के ऊपर की टिप लगाते हैं, मुझे उसी का रिजल्ट अच्छा मिलता है। और देखिए बारिश ने क्या तबाही मचाई फिर से, पिटूनिया पूरे क्या ही बताऊँ, ये देखिए पूरा क्रिसेंथियम इसके ऊपर गिर गया, पिटूनिया और विनका के ऊपर। हर बार यही हाल होता है, इनमें इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, अब इसको उठाकर मुझे सबको सपोर्ट देके रखना पड़ेगा, तो ये सब करना ही पड़ेगा। गार्डन में बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है बारिश के बाद, तो आप इस समय की जो बारिश है उसका फ़ायदा मतलब नुकसान तो हो ही रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो फ़ायदे हैं वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग लगा कर नए प्लांट तैयार कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, एक प्लांट से आप कई प्लांट बना पाएंगे। और देखिए मेरे छोटे से गमले में लगा हुआ छोटा सा डहेलिया कितना प्यारा दिख रहा है, और इसमें कलियाँ भी आ गई हैं, कलर पता नहीं कौन सा है, मुझे खुद नहीं पता है पिंक वाला ही है या फिर कौन सा है, शायद लास्ट ईयर जो प्लांट में लाई थी नर्सरी से उसमें का बचा हुआ होगा, याद नहीं है मुझे अच्छे से। एक कैलेंडुला देखिए इस कलर का निकला है, सभी में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मैरीगोल्ड के फ्लावर फिर से सारे टूट गए, इतना इनमें पानी भरा है।
और इस समय आप सीड भी ग्रो कर सकते हैं, आप विंका के सीड ग्रो कर सकते हैं, जीनिया के सीड ग्रो कर सकते हैं, पुराने फूलों से ही आप नए नए सीड मतलब उनके सीड निकाल करके उनको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगे आप। और भी जो सीड मतलब समर के सीड अगर ग्रो करना चाहते हैं तो उनको भी ग्रो कर सकते हैं। मौसम बहुत ही मतलब ना ज़्यादा ठंडी है और ना ही मतलब ऐसा कुछ है कि मैंने तो अडेनियम के सीड फिर से अभी डाले हैं, लगभग 4 दिन पहले मैंने ग्रो किए हैं और उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो आप अडेनियम के सीड भी अगर ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 वीक में उसका रिजल्ट अपडेट दिखाऊंगी, तो आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे फरवरी का टाइम बेस्ट होता है लेकिन अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आप हाइड्रेंजिया की कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है, इसका मैंने एक न्यू प्लांट अभी तैयार किया है और उसको रिपोर्ट भी कर लिया है। ये देखिए ये हाइड्रेंजिया का मैंने बेबी प्लांट मतलब बना लिया, न्यू प्लांट तैयार कर लिया। और ये कनेर की कटिंग है जो मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी और इसकी रूटिंग देखिए पूरी नीचे तक इसकी रूटिंग हो गई है एकदम, और इसको मैं रिपोर्ट कर लूँगी तो एक मेरे पास न्यू प्लांट बन जाएगा। वाइट मतलब थोड़ा लाइट क्रीम कलर के इसमें फ्लावर आते हैं बंचेस में बहुत ही प्यारे से। तो ये देखिए मैरीगोल्ड की कटिंग मैंने भी लगाई थी, जो पिछले वीक जो बारिश हुई थी उसमें मेरा पूरा प्लांट टूट गया था, उसको मैंने लगा दिया था और इसमें देखिए रूटिंग हो गई है, देखिए पूरी रूट आपको दिख रही होगी। तो 1 वीक में ये इस तरह से कटिंग हमारी ग्रो हो गई। तो मेरी गोल्ड को आप कटिंग से जब भी आपके प्लांट ख़राब हो जाएँ कुछ भी मतलब आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो आप तुरंत उसकी कटिंग लगा दीजिए, सैंड में लगा दीजिए। मैंने तो इस बार मिट्टी और सैंड दोनों मिला के लगाया था और ये कटिंग ग्रो हो गई है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप बारिश को वेस्ट मत जाने दीजिए, अपने प्लांट को मल्टीप्लाई करिए। और आज के लिए इतना ही।